प्लेयर्स हैं वो जैसे ही इसमें आए हैं उसके कारण से जो एक व्यापार व्यापारीकरण नौकरियों का हो गया, आज मंडियां लग रही हैं नौकरियां जहां बेची जा रही हैं, तो इसके विरोध में हम एलजी प्रशासन से अपनी कुछ मांग जो है वो रखना चाहते थे। इसलिए मैं और मेरे साथी जो हम लोग यहां हैं उसके कारण उसका यहां आने का कारण क्या है कि हमने 6 जून से एक लड़ाई हमारी चली थी रिक्रूटमेंट्स में धांधलियों को लेके कि ये नहीं होनी चाहिए, जिसके विरोध में प्रशासन की जब पोल खुली किस तरह से वो फेल हुआ डिलीवर करने में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी, तो रिक्रूटमेंट जो है वो कैंसिल करी गई। जेएंडके में पिछले 6 महीने में अभी तक 5 रिक्रूटमेंट्स ऐसी हैं जो इररेगुलरिटी के कारण स्क्रैप करी गई हैं, जिसमें आपका जेई आता है, JKPSI आता है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आता है, रजिस्ट्रार का पेपर था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट का पेपर था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, इररेगुलरिटी के कारण जो है वो स्क्रैप होती है। इनमें इररेगुलरिटी तो हुई लेकिन किसी भी स्कैमर को, जिन लोगों ने धांधलियां करी, किसी को भी सजा नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों के कारण जो मेहनत करके इन परीक्षाओं में पास हुए थे, तो उनके साथ ये ज्यादती हुई। इसके साथ साथ जो लोग आज भी पेपर दे रहे हैं उनमें भी कई लोग वही हैं जिन्होंने पहले ये पेपर दिया, कई क्या अधिकतर जो लोग हैं जिन्होंने ये स्कैम पहले करे थे वो इसमें क्या है, उन्होंने पेपर दिया है, इन्होंने पेपर दिया है। अच्छा, ये पेपर दिया, इसके साथ साथ देखिए CBI ने जब चार्जशीट फाइल करी थी उसमें लगभग 40 के आसपास लोगों का जिक्र उन्होंने करा कि ये लोग बाहर गए थे। अब जो लोग बाहर गए थे उन्होंने ये भी कहा कि 45 जो लोग बाहर गए थे उन्होंने 25-25 लाख रुपए जो है पे करा है। तो अगर 40 लोगों का भी मानते हैं हम 25-25 लाख रुपए, 65 करोड़ तो नहीं होता, 65 लाख तो नहीं होता। अब वो 65 लाख रुपए जो CBI कह रही है हमने रिकवर करा है, ये कहाँ से कितना? इन्होंने किसी भी कैंडिडेट को जो है वो चार्जशीट में नहीं रखा, जिन लोगों की बैंक स्टेटमेंट्स तक इनके पास थी, बैंक डिटेल। अब देखिए स्कैमर भी बेचारे नए नए होंगे, उनको पता ही नहीं था कि कैसे, कईयों ने कैश में ट्रांजेक्शन करी थी लेकिन कईयों ने बैंक ट्रांजेक्शन करी थी, उन लोगों को भी इन्होंने चार्जशीट नहीं करा। जिस परिवार के चार चार लोग, तीन तीन जो लोग थे, एक नहीं कई परिवार थे, 100 लोग जो सिबलिंग थे, भाई बहन थे, 100 बुलाते सबको हैं, CBI के ऑफिस में भी गए हैं, जो उनके साथ होना है वो तो हो रहा है, लेकिन जो असली सजा है जो हम लोगों के लिए एक रिलीफ बनना था, इन लोगों को बाहर करना था। चोरों को फिर आप पेपर में अलाउ कर रहे हो। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं सरकार, हम सबका ये मानना है कि सरकार जो बचाना, अभी सवाल आ रहा था कि भाई उनको बचाने की कोशिश नहीं, ये बचा चुके हैं। और हम इसीलिए, क्योंकि हम विजिल ब्लोअर पहले भी रहे हैं आज भी यही, इसलिए आम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जाग जाइए, सरकार ने जो अपने पत्ते सेट करने हैं वो कर चुकी है। और जब आज भी हम उसके साथ लड़ रहे हैं, आज भी ये धांधलियां करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट कंपनियों को ला रहे हैं, ऐसी कंपनियां जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलती हैं, उनको जब रोकने का प्रयास कोर्ट के थ्रू हमने करा है, तो आप देखेंगे ये कोर्ट में चले गए उनको बचाव के लिए, प्राइवेट कंपनियों के बचाव के लिए। सरकार कहीं ना कहीं युवाओं के विरोध में है, जम्मू कश्मीर के विरोध में काम कर रही है इस समय, जो क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग नहीं है, ये लोग नौकरशाही है, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। CBI की इंक्वायरी पे भरोसा नहीं करते हैं। जो CBI की इंक्वायरी है उस पर भरोसा करने लायक दिखे कुछ तो दिखे? पिछले 6 महीने से हिमाचल में पेपर स्कैम हुआ था, 180 लोग एक महीने के अंदर चार्जशीट थे, उन लोगों को पेपर नहीं दिया गया था, पेपर भी उन्होंने करा लिया था। हमारे यहाँ 6 महीने लग गए, चार्जशीट में एक भी एस्पिरेंट नहीं है। अब या तो CBI देखे कि कहाँ गए, या फिर सरकार देखे। डिमांड हमारी दो है जम्मू कश्मीर सरकार से कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ आप लोग एक कानून जो है वो लाइए जो डेडिकेटेड हो पेपर लीक को रोकने के लिए। ये जो चोरी चिकारी वाला 420 जो धारा इनके ऊपर लगती है, क्या है ये? कुछ भी नहीं है, इससे ना ये डरते हैं, और 4 साल की सजा कुछ भी नहीं है। बाबुओं के लिए सख्त से सख्त सजा हो, और इसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ डेडिकेटेड कानून। दूसरा, जब सरकार के पास रणबीर प्रेस है, बजट वही प्रिंट होता है, कभी सुना आप लोगों ने? कब से, मतलब मुझे नहीं लगता जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कभी सुना, आज तक कभी बजट स्पीच लीक हुई है? नहीं होती है, कभी नहीं, कभी हुई है? नहीं। डिफेंस सीक्रेट लीक हो जाते हैं इनके, लेकिन बजट कभी लीक नहीं होता। इनको पता है हमारा नुकसान होगा, राजनीति में नुकसान होता है उसका। बजट बनेगा रणबीर प्रेस में, लेकिन युवा जो जिसका भविष्य, जिसके भविष्य के साथ ये खेल रहे हैं, वो रणबीर प्रेस में नहीं बनेगा। करोड़ों रुपये, 35-36 करोड़ रुपये जो पेपर स्क्रैप हो गए, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, प्राइवेट कंपनियों को दे दिए, एक कंपनी को दे दिए, उसी का अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते तो ये पेपर सारे के सारे खुद करा सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, DPL हर डिस्ट्रिक्ट में है, पुलिस लाइन है,
हर डिस्ट्रिक्ट में देखो जो टीचर्स हैं, मुझे नहीं लगता वो ड्यूटी देने के लिए मना करते हैं, लेकिन उनको ड्यूटियों में कहाँ लगाना है, चुनाव की इलेक्शन की ड्यूटी में लगाना है, उनको सेंसिस में लगाना है, वोटर लिस्टें वेरीफाई करने में लगाना है, परीक्षाएं कराने जिनका, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही यही है, वो कराते रहते हैं, उसमें नहीं लगाना है। यहाँ उन लोगों को लगाया जाता है जो कि धांधलियों करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे कंप्यूटर सेंटरों में जो पेपर होते हैं आप समझिए, वो कोई क्वालिफाइड ऐसे इंडिविजुलेटर जो होते हैं बेचारे, वहीं लाइब्रेरी से उठाए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ तो हमारी उम्र से भी छोटे, 18 होते हैं, 18-19, कुछ तो 18 से भी छोटे होते हैं। तो हम चाहते हैं सरकार खुद पेपर कराए, प्राइवेट प्लेयर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है इसमें रिक्रूटमेंट में वो खत्म करे, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए।